नमस्कार, आज संसार क्रांति की टीम जींद में आकाश आईटीआई में मौजूद है और प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के किस तरह से उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पैदा उनके जीवन में आ सकती हैं। तो आकाश आईटीआई के डायरेक्टर इस समय हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, अनिल कुमार जी, और अधिक जानकारी के लिए हम उनकी जुबानी पूछते हैं। अनिल जी, तकनीकी रूप से शिक्षा को किस तरह से सुदृढ़ बनाने के कार्य आप कर रहे हैं और कैसे और आगामी रूपरेखा आपकी रहेगी? सर, इसके लिए हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं। अभी तक जो हमारी नॉलेज है, शिक्षा पद्धति है, वो सिर्फ एक कागजी शिक्षा पद्धति है। हम एक क्लरिकल एजुकेशन दे रहे हैं, न कि वोकेशनल एजुकेशन। अगर बच्चे के सामने तकनीकी शिक्षा हो, वो अपने खुद के प्रोडक्ट बना सकता है, मेड इन इंडिया जो हमारा मोदी जी का प्रोजेक्ट है उसमें हेल्प कर सकता है। हम बच्चों को 2 साल के कोर्सेज में मेनली इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं अभी जी। प्रोजेक्ट तो अभी तक आप कितने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस तरह की सुविधाएं या फिर इस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं? अभी तक सर हमारा कोचिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट माइंड क्यू चल रहा है, आकाश आईटीआई जींद, आकाश आईटीआई लिजवाना और बीएड कॉलेज चल रहे हैं जो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं और आगे बढ़ने के चांसेस प्रदान कर रहे हैं जी। प्रधानमंत्री विकास कौशल विकास योजना के तहत भी कुछ आप कार्य कर रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत हम टीपी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं प्रधानमंत्री के, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को फ्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए बच्चों को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, प्लेसमेंट दी जाती है और एक सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड दिया जाता है जिसे लेके बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक भी अपनी कोशिशें कर सकते हैं। बेरोजगारी से भी मुक्त? बिल्कुल, बेरोजगारी तो रहेगी नहीं। बच्चे के पास अगर स्किल होगी, एक अच्छी स्किल है टेक्निकल, तो बेरोजगारी नाम की चीज़ इंडिया में है ही नहीं। और इसके अलावा सुनने में आया भी आपके स्टूडेंट्स ने कुछ जो तकनीक के माध्यम से एक ऐसे कूलर का निर्माण किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर, हमारे बच्चों ने 1.5 से 2 महीने अभ्यास करके एक ऐसे कूलर, सस्ते और बढ़िया कूलर का निर्माण किया है जो 15 सेल्सियस तक 15 मिनट में टेम्परेचर डाउन करेगा और एसी से होने वाले हमारे शरीर में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, उनसे हमारे शरीर का भी बचाव होगा और लाइट भी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम होगा। तो ये थे हमारे साथ आकाश आईटीआई के डायरेक्टर अनिल कुमार जी। इनका कहना है तकनीकी शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नौजवानों को कागजी शिक्षा से बेहतर है, क्लरिकल एजुकेशन से बेहतर है तकनीकी रूप से उनको मजबूत बना दिया जाए। यदि तकनीकी रूप से हम नौजवानों को शिक्षित करेंगे तो जरूरी नहीं है उसको सरकारी नौकरी की चाह, वो आत्मनिर्भर होकर अपने हुनर के दम पर भी कामयाब हो सकता है। इसके अलावा अनिल कुमार जी ने बताया हमारा माइंड क्यू इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर्स हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी इनकी गतिविधियां शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में चल रही हैं कई क्षेत्रों में। अनिल कुमार जी का कहना है हमारा एक मुद्दा, एक सपना ये है तकनीकी एजुकेशन को जितना ज़्यादा यूथ के अंदर हम बढ़ावा देंगे उतना ही बेरोजगारी से भी युवाओं को मुक्ति मिलेगी। जीन से संसार क्रांति के लिए क्रमवीर आर्य है।